रविवार की छुट्टी के बाद बैंक खुल चुके हैं, लेकिन पंजाब के गुरदासपुर में लोग रविवार शाम से ही बैंकों के आगे कतार में लग गए, पूरी रात बैंक के आगे गुजार दी। कतार में लगने वालों में कई महिलाएं भी थीं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पैसे निकालने के लिए बैंक के बाहर पहुंच गईं। नोटबंदी ने लोगों का चैन और नींद दोनों छीन ली है। इसकी जीती जागती तस्वीर गुरदासपुर की कादियां में देखी जा सकती है। बैंक से पैसा निकाल सकें इसके लिए लोग शाम से ही लाइन में लग जाते हैं, जबकि सबको पता है कि बैंक सुबह 10 बजे के बाद खुलेगा। रात भर कतार में लगे लोगों के हाथ में नंबर लिखने का सिलसिला चलता रहा। जिसके हाथ पर या बाजू पर लाल रंग का लिखा हुआ नंबर होगा, वही यहाँ पर लाइन के लिए सही शख्स माना जाएगा। हम कादियां में खड़े हैं और कादियां का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये, और यहाँ पे कल शाम से जो है लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। शाम के 4 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं। बैंक बंद होने के बाद यहाँ पे लाइनें लगी और आज रात हो चुकी है, रात में भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, लाइन लगा के खड़े हैं। महिलाएं खड़ी हैं, पुरुष खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं। पूरी रात इन्होंने यहीं पे गुजार दी। अब दिन होने वाला है सुबह 10 बजे जो बैंक खुलेगा, पर फिर भी लोग इस उम्मीद से खड़े हैं कि इनको पैसे मिलेंगे और इनको पैसे की दिक्कत है। लाइन में लगने वालों में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में सोता छोड़कर बैंक के बाहर लाइन में लगी हैं, ताकि घर का खर्च चल सके, बच्चों के लिए खाने पीने का सामान खरीदा जा सके। दो नंबर लगाए। कितने बजे आए थे आप? मैं 12 बजे आई थी। 12 बजे आप आए थे? यस। तो कितनी दिक्कत आ रही है कि आपको सारी रात जो है घर छोड़ के यहाँ पे आना पड़ रहा है? छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आए हैं घर पे, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बता नहीं सकते आप, कुछ नहीं बता सकते। ये है राजविंदर कौर, पति फौज में है और जम्मू सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रहा है। वहीं पत्नी छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर रात से पैसे के लिए बैंक के बाहर है। अब इनसे मिलिए, इनका 139 नंबर है। ये BSF के जवान हैं, लेकिन पैसों की तंगी ने इन्हें भी कतार में ला खड़ा किया है। बहुत दिक्कत आ रही है, बच्चे छोटे छोटे छोड़ के घर में आए हैं, दूध भी उनको नहीं पिलाया है। अभी अपने गेस्ट मंगाए हैं घर पर, अभी आए हैं हमारे गेस्ट भी घर पर, तभी हम स्कूल जाना, कितनी दिक्कत आ रही है हमें। तो आपके पति क्या करते हैं? आर्मी में है। पति आर्मी में है, अभी वो कहाँ है? वो जम्मू में। वो जम्मू में सेना में है, वहाँ पे वो लड़ रहे हैं, देश की हिफाजत कर रहे हैं। हाँ जी। और आप पैसे के लिए यहाँ पे लाइनों में लगे? लाइनों में लगे हैं, लाइनों में लगे हैं, हम पैसों के लिए लड़ रहे हैं। ना सर, BSF से सर्विस करके हैं। इतना हम पाकिस्तान से नहीं भी हम दिखता ही, जितनी अपनी मोदी सरकार से हमारे से दिखता रही है। हम रात दिन इधर घूम रहे हैं, कोई पैसा नहीं। मेरा इधर 139 नंबर है मेरा,